खबर पीलीभीत जनपद से है, जहां पूरनपुर थाना सेहरामौत्री क्षेत्र के ग्राम सेहरामौत्री से गांव अकेला होते हुए शाहजहांपुर एवं पीलीभीत जिला मुख्यालय को जोड़ने वाले मार्ग में मैलानी से पूरनपुर होते हुए पीलीभीत जाने वाले रेलवे लाइन ब्रांड गेज का कार्य चल रहा है। वहीं अकेला हंसकर हाल्ट के रेलवे क्रॉसिंग को रेलवे लाइन के नीचे से अंडर पास निकालने का रेलवे प्रशासन एवं आलाधिकारियों ने निर्णय लिया है, लेकिन आसपास के रहने वाले क्षेत्रीय लोगों खासकर किसानों का कहना है कि अंडर पास बनाने का यह रेलवे से प्रावधान बाद में बदला गया है। पहले इनका निर्णय क्रॉसिंग इनको ऊपर से ही निकालने का प्रावधान था, जब किसानों को नजदीक के ग्रामवासियों को इस निर्णय का पता चला कि क्रॉसिंग को अंडरग्राउंड बनाया जाएगा तो उनमें काफी रोष व्याप्त हो गया और वे ग्रामीण रेलवे क्रॉसिंग गेट अकेला हाल्ट पर प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हो गए और रेल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस मामले में जब हमारे संवाददाता ने किसानों से बात किया तो किसानों ने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। 15 दिन तक काम नहीं कर, 15 दिन की मोहल्ला देने, अगर उससे पहले काम हो जाता है हम लोगों का या नहीं होता है हम आपको कॉन्टेक्ट करके बता देंगे, आप कॉन्टेक्ट नंबर बता दें अपना। आप लोग बताएं, आप लोग बात करिए, मैं बात करूंगा, आप समय देंगे तभी। आप लोग आप काम शुरू कर देंगे? नहीं, काम नहीं शुरू करें, कैसी बात की, अब कमिटमेंट कर रहे हैं, काम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। तो आप 15 दिन का समय दे रहे हैं आपको, कितने दिन का समय आप बताएं, कितने दिन का समय हमको, अगर आपकी समस्या 2 दिन में 4 दिन 10 दिन में सॉर्ट आउट हो जाती है, 20 दिन में होगी, 20 दिन के बाद आप कह देंगे कि हाँ हमारी समस्या सॉर्ट आउट हो गई है, 15 दिन का टाइम को 15 दिन काम नहीं करेंगे तो 15 आप पहले आप मुझसे टाइम मांगे, आपकी समस्या 2 दिन में सॉर्ट आउट हो जाती है, आप 15 दिन काम ना करें, 2 दिन बाद हम आपका लिखे हुए कॉन्टेक्ट नंबर ले रहे हैं, आपको कॉल करके मैं बताऊंगा खुद से कि काम मेरी समस्या सॉल्व हुई है नहीं हुई। अगर 1 महीने में सॉर्ट आउट होती है तो हम 1 महीना काम नहीं करेंगे, आप हमसे जब तक आपका कोऑपरेशन नहीं होगा, जब तक आप लोगों की समस्या सॉर्ट आउट नहीं होगी तब तक काम नहीं करेंगे, बात खत्म होगी, चाहे 1 महीने हो, 2 महीने हो, 1 महीने 2 दिन में हो, नहीं महीना लगेगा नहीं, आप हमें केवल 10 दिन दीजिए बस, 10 दिन हमारे लिए बहुत, कम से कम तो टाइम दे सकते हैं ना, कम से कम तो टाइम दे सकते हैं, वो तो आपके ऊपर है ना, आप कब तक अपनी समस्या रखते हैं, कब तक सॉर्ट आउट होगी, वही तो मैं कह रहा हूँ, जब तक आप लोगों की समस्या सॉर्ट आउट नहीं होगी जब तक परमिशन ऊपर से नहीं आएगा तो हम काम नहीं करेंगे, मेरे कहने का मतलब ये है भाई साहब कि आप, हमने समस्या आप लोगों को बताई, आपने काम रोक दिया, वासियों की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ काश्तकारों को लेकर है, क्योंकि अंडरपास बनने से ट्रालियाँ नहीं निकल पाएंगी, जेसीबी नहीं आ पाएंगे, इस तरीके की तमाम समस्याएं आएंगी, हम सब क्षेत्रवासियों की यही मांग है रेल प्रशासन से कि हमारा ये डगरा पूर्वत क्रॉसिंग जो थी वो यथास्थित बनाई रखी जाए। रेल गेट के आसपास कितनी आबादी लोग प्रभावित होगी इससे? हमारे यहाँ करीब 3-3.5 लाख की आबादी रोड से आवागमन रहता है, हमारा ये जिला रोड है, अभी हम पहले होना था, और हमारे यहाँ रेलवे क्रॉसिंग ऊपर वाली थी, ऊपरी वाली रहनी चाहिए, देखिए ये क्यों बनाया आपने, पट ये क्यों बनाया, कहाँ के लिए बनाया, ये तो अभी बना है, ये तो पहले नहीं बना है भाई, ये तो गलत है, हम लोग बनना है अपना कहाँ से निकालेंगे, हमारा तो हम तो टोटली डिस्ट्रॉय है। आप लोग पहले एक एक बताए अपनी समस्या, मैं एक एक का जवाब दूंगा, सबकी समस्या है सर जी, सब मैं सभी लोगों का जवाब एक साथ तो नहीं दे सकता, पहले तो ये जो कुमटी बनी है ये टेंडर पहले बनी है, इसका भी कुछ प्रोविजन है, ऐसा नहीं है कि इसका क्या प्रोविजन है, यहाँ पे एक छोटा सा इन्होंने कुमटी बनाई है, ये रेल विकास निगम लिमिटेड ने बनाई है, हमारे पास क्रॉसिंग के लिए नहीं बनाई है, यहाँ पे अंडर पास है, मैं कहता हूँ लेवल क्रॉसिंग कहीं नहीं रहेंगे, ये आपको मैं बड़ा बता रहा हूँ कि लेवल क्रॉसिंग पूरे इंडिया में एलिमिनेट कर दिया सरकार ने, आप इसको स्थगित करवा दीजिए, आगे हम लोग अपनी कार्रवाई देख लेंगे, इसके बाद मतलब कराइए, मतलब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे आप लोग चाहते क्या है, हम लोग यहाँ देखिए लेवल क्रॉसिंग तो नहीं रहेगी, ये आपको मैं बता दूँ, आपको चाहे भारत सरकार का आपको गजट में भेज देता हूँ, वो है लेवल क्रॉसिंग नहीं रहेगी, अब मुझे आप बताइए कि आपको ओवरब्रिज जो है या अंडरपास में कहाँ समस्या है? अंडरपास में समस्या ये हमारी जेसीबी नहीं आएंगी, हमारी ट्रालियां नहीं निकल पाएंगी, जेसीबी की हाइट जेसीबी खड़ी है सर जी, हमारे यहाँ सबसे बड़ा हमारी कंपाइन नहीं निकल पाएगी, सबसे बड़ा आप लोगों का कंपाइन है, इससे बड़ा कुछ है कंपाइन नहीं है, क्या उसकी जो हाइट है वो 13 फीट, अंडरपास में जो पानी भरेगा उसकी समस्या क्या, उसके लिए संप लगा रहे हैं हम, उसके लिए संप लगाएंगे, अंडरपास में पानी नहीं भरेगा, अभी जितने अंडरपास में सब में पानी भरा हुआ है, सब में संप लगा रहे हैं, कहीं नहीं लगा, कहीं नहीं लगा है साहब, कहीं नहीं लगा है, मैं यहाँ से लग रहा हूँ, यहाँ तो आए हाँ सर बताइए क्या प्रॉब्लम है, हमारे सेहरामौत्री खंजनपुर अकेला हंसपुर गढ़ा केसरियापुर नवदिया और चलतुआ, इसके लिए मुख्य मार्ग शाहजहांपुर के लिए बाढ़ डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत के लिए ये मार्ग जोड़ता है, यहाँ
अंडरपास बनने से हमारे क्षेत्र की बड़ी समस्याएं होंगी। हम यहाँ से मतलब जो किसान है, किसानों के लिए ट्राली भरी हुई व मतलब उनके पैदल निकलने के लिए और क्राइम बढ़ सकता है। इसलिए हमारे लोगों की मांग है रेल प्रशासन व केंद्र सरकार से कि हमारे यहाँ पर पूर्व यथास्थिति रेलवे क्रॉसिंग की बनाई जाए। नहीं रहेंगे आप लोग बिल्कुल इस बात को ये मानने कि नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे। और मैं आपको कोई मिसगाइड या मिसलीड नहीं कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, मिसगाइड नहीं कर रहे हो। अगर आप जो एक्चुअल में है मैं आपको वो कंडीशन बता रहा हूँ। और रही बात आपकी जो आपने बातें कही है, आप 2 दिन 4 दिन 10 दिन ये पहले आप देख लीजिए। दूसरी बात ये जो आप बता रहे हैं हाइट का इशू, ये हाइट का इशू पहले आ चुका है। कंपाइन की हाइट हम लोग नाप के हर जगह चेक कर चुके हैं कि कंपाइन से बड़ा आप लोगों के पास कुछ नहीं है किसान के पास। रही बात दूसरी कि आप चले जाइए अधिकारी में इस पे मंथन करने के, आज नहीं कर रहा है। सर जी आप हम बताएं आपको, मेरे पास में मैलानी है, जानते ही हो गए आप। मैलानी से निकल के गोलक साइड में एक अंडर पासिंग बनी हुई है, देखा है आपने? नहीं देखा है? नहीं देखा है? इतना इतना पानी अब भी भरा हुआ है, चार उसमें मरे हुए कुत्ते पड़े हैं। गांव वाले कैसे निकल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? भाई साहब 3.5 लाख की आबादी सिंगल रोड से जुड़ी हुई है, क्या करेंगे बताओ? आप हमें टाइम दे दो, बाकी बाकी आप काम करवाओगे? यहाँ एक बच्चा भी नहीं आएगा सर। लेकिन आप हमें थोड़ा, हम लोगों को दिक्कत हो रही है, वरना हम आपको क्यों रोकते? इतना काम हो गया, किसी से कोई बात नहीं हुई, बस समय दे दिया, हम प्रयास कर ले, बस आगे हेल्प करेंगे आपकी। और बताओ, लेकिन अभी हमें 10 दिन का टाइम दे दीजिए, हमें जहाँ तक अपना करना है वहाँ तक कर ले। रुक गई तो ठीक, मेरी नहीं रुकी तो आपकी तो आप बनाएंगे। नहीं प्रयास सर, ऐसा थोड़ी ना डायरेक्ट हमें कौन जान रहा है, ऐसे तो सारे फोन कर रहे होंगे। मैं सर कहीं से आगे मंत्री संतरी विधायक अथॉरिटी दे देता हूँ, एक कंसर्न अथॉरिटी। आप पहले मेरे पास ध्यान कंसर्न अथॉरिटी के पास जाइए, उनको समस्या बताइए। आप लोग बिना चैनल के जाएंगे, यहाँ इस मंत्री से, इस विधायक से बात करेंगे, कंसर्न अथॉरिटी से बात करेंगे। कोई बात कहाँ से कहाँ से नहीं, हम लोग कंफर्म कैसे कराएंगे आपको कि हमारी बात हो रही है कि नहीं हो रही है? सर मैं उनके लगातार टच में हूँ, नंबर लगातार टच में है। अच्छा नंबर नहीं देंगे आप? अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।